पाकिस्तान के साथ कश्मीर मसले को लेकर अब जो हुआ है, अब से पहले पाकिस्तान को कश्मीर को लेकर ऐसा झटका कभी नहीं लगा। एक तरफ जनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 12वें सत्र की बैठक में पीओके के मसले पर पाकिस्तान को भरी सभा में शर्मसार होना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर का गलत नक्शा दिखाने को लेकर भारत ने पाकिस्तान को बड़ी सजा देते हुए एससीओ की बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बताएं तो भारत ने जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाने पर शंघाई सहयोग संगठन की एक बैठक से पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखाया है। मंगलवार को आयोजित एससीओ की बैठक में पाकिस्तान ने भारत का गलत नक्शा दिखाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के नक्शे में जम्मू कश्मीर को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया था। इस पर भारत ने सख्त रुख दिखाते हुए पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा कि वो या तो नक्शा सुधारे या फिर बैठक से दूर हो जाए, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत वर्तमान में एससीओ का अध्यक्ष है और कई कार्यक्रमों की मेजबानी भी कर रहा है। उधर यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान की बड़ी फजीहत हो गई है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की लंका लग गई है। यूके पीएनपी के अध्यक्ष अमजद यूसुफ ने कहा कि पीओके में मानवाधिकारों की स्थिति बहुत खराब है और पाकिस्तान पूरे क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लोगों का शोषण कर रहा है। इतना ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने अमजद यूसुफ ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए इस बात का भी खुलासा किया कि कैसे पीओके के युवाओं को पाकिस्तान शिक्षा से दूर रखकर उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। बता दें कि पाकिस्तान ने कश्मीर के इतिहास से जुड़ी किताबों को भी नष्ट कर दिया है ताकि सही जानकारी लोगों तक ना पहुंचे। पाकिस्तान ने कश्मीर से जुड़े कई पुराने नक्शों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और लोगों को पुराने इतिहास को पढ़ने की अनुमति भी नहीं है। ऐसे में अब ये सारी बातें दुनिया के सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि भारत की कूटनीति ने पाकिस्तान की साजिशों का न केवल पीओके में बल्कि उसके असली चरित्र को भी बेनकाब कर दिया है।